प्रेमशाल से भी तो पूछेंगे, आपकी जिंदगी में शनाइयां कब बजी, कब ऐसे म्यूजिक बजे, वायलन बजे? ये तो पता है ना, मेरी बहन आपको पठान आदमी हूँ, तो वायलन को तो भूल जाओ, तलवारें निकल गई। बिल्कुल एग्जैक्टली। नहीं, इनकी माशाल्लाह जिनसे इनकी शादी हुई है वो मेरे छोटे भाइयों की तरह है, और लाहौर इन्होंने बताया है, मैं भी लाहौर जाऊंगा इंशाल्लाह। उमर भाई ने मुझे बताया है पूरा, लेकिन वो लोकल एरिया भी पूछ लें कौन सा है तो फिर सही पता लग जाएगा। तो लेकिन हमारी मेरी शादी में ना कोई शहनाई ना कोई बाजा, कुछ भी नहीं बजा, और शादगी तरीके से जो सुन्नत तरीका है, और मैंने पैसे का शोशा नहीं किया है, मैंने दिखावा नहीं किया है, मैंने तस्वीरों पे तवज्जो नहीं दी है, मैंने आने वाली जिंदगी पे पूरी की पूरी तवज्जो दी है। तो सब कुछ उसके मुस्तकबिल को संवार रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। आने वाले दौर कुछ भी हो सकता है, अल्लाह करे कि इससे भी ज़्यादा आपको तरक्की मिले। उमर भाई मिल जाएगी मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है, और आपके तवज्जो से, क्योंकि आपका शो ऐसा है कि इसे ना देखते हुए भी कोई देखता ज़रूर है, तो जहाँ भी आप होते हैं, जिस चैनल पर भी होते हैं। ये तो हो गया कम से कम, कि अब मैं जब रास्ते में आ रहा था गाड़ी में, और इससे पहले भी एक और शो था उस पर था मैं, तो मैंने रेडियो खोला तो रेडियो में मैंने देखा एक भी गाना मैंने सुना। हाँ, रेडियो में देख नहीं सकते। नहीं देखा मैंने, ट्यून किया ना, जब मैंने देखा फिर सुना, तो सुनने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ और यकीन हो चला कि यार अब पाकिस्तानी म्यूज़िक सुना जाएगा। हाँ। क्योंकि मैंने तकरीबन कोई 2.5 घंटे तक सुना और देखा कि कोई भी इंडियन और कोई भी यानी ऐसा जो हमारा दुश्मन मुल्क है उसका कोई ऐसा गाना नहीं चल रहा था। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। पूरे जब वो गाने सुने जाते थे तब भी माशाल्लाह आपके गाने लोग पसंद करते थे, और उस टाइम भी लोग आपके गाने सुनते थे। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी फिल्में इंडिया से रिलीज नहीं हुई, मैं आज इस बात पर बड़ा खुश हूँ। सही बात। ये हकीकत है कि ये बगैर इंडिया की इंडस्ट्री के सपोर्ट के बगैर इसने बड़ी तरक्की की। अब तो इंडिया का इतना हमारे ऊपर, एक ज़माना था कि इंडिया इतना हो गया था, छा गया था, कि अगर कोई मर जाता था लंदन में तो फ्लाइट में जिस पे आना है डेड बॉडी ने, वो रिश्तेदार वाया भारत से लेकर आ रहे हैं। अच्छा। कि भाई कम से कम मरहूम इंडिया से चक्कर मार गया। बड़े बुरे हालात, हम लोग उस हालात के अंदर मुकाबला किया इंडियन फिल्मों का, बड़ा अच्छा थिएटर छोड़ गया उनके सामने, थिएटर से मारा इंडियन फिल्मों को। ओ सर, मैं आपको बताता हूँ, बल्कि शायद आपको पता हो, मैं एक मूवी देख रहा था, इंडियन मूवी थी, छोटे मियाँ बड़े मियाँ मेरे ख्याल में, अमिताभ और गोविंदा। तो एक सीन उसमें वो जेल का उन्होंने दिखाया कि वो डाकू सुल्तान किसको पकड़ते हैं वो, जो ड्रामे में हुआ है एज इट इज मैंने देखा, वही बोला है, वही हुआ है। अमिताभ ने और गोविंदा ने किया, दोनों ने। ड्रामे का नाम था, हम मेरा ड्रामा था, उसका नाम छोटे मियां बड़े मियां, उसको उन्होंने किया था, हमजा हो तो सामने आए, थाने का ड्रामा था जी, बिल्कुल थाने, हाँ थाने का था बिल्कुल।